आवश्यक सूचना: YouTube चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने, सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि के वीडियोस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदनाथ पीपलिया दी लोह टैबलेट के बारे में, और गाइस साथ ही हम जानेंगे इसके यूजेस को। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इस टैबलेट के यूजेस को। तो गाइस, वेदनाथ पीपलिया दी लोह टैबलेट डाइजेस्टिव सिस्टम के मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट यानी कि पाचन तंत्र के रखरखाव और सुधार में सहायता करती है। इस टैबलेट के अंदर पीपली होती है जिसमें लैक्सेटिव इफेक्ट यानी कि रेचक प्रभाव यानी कि पेट साफ करने और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज को दूर करने की प्रॉपर्टीज़ होती है, और साथ ही साथ गैस और पेट फूलने से ये टैबलेट राहत दिलाती है। ये टैबलेट इनडाइजेशन यानी कि अपच में भी मदद करती है और सीने की जलन को भी कम करने में बहुत मदद करती है। साथ ही साथ ये टैबलेट भूख को भी बढ़ाती है। ये टैबलेट अस्थमा, हिचकी आदि के इलाज में मदद करती है। इसमें जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है जो खांसी, उल्टी का भी इलाज करने में मदद करती है, और इसका यूज़ आयरन के सोर्स के रूप में भी किया जाता है, और ये टैबलेट ब्रोंकाइटिस के यूज़ में भी सहायक होती है। गाइस, अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो गाइस, इस टैबलेट के अंदर है पिपली, आमालाकी, द्राक्षा, विदंग, पुष्कर मूल, कोला एक्सेट्रा, इस तरह के हर्ब्स इसके अंदर हैं। गाइस, ये टैबलेट पीपलिया दी लोह का यूज़ खांसी, उल्टी और हिचकी के लिए भी किया जाता है। तो गाइस, इसके आगे हम बात करते हैं इस टैबलेट के डोजेस के बारे में। तो गाइस, पीपलिया दी लोह टैबलेट का डोज आप अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लीजिए, क्योंकि गाइस, हर टैबलेट का डोज या हर दवाई का डोज पेशेंट की एज, सेक्स और उसकी कंडीशन पर निर्भर करता है। इसलिए आप इस टैबलेट का डोज अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कीजिए। गाइज, इसके आगे हम देखते हैं इस टैबलेट से जुड़ी कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की। तो गाइज, इस टैबलेट को आप जब भी यूज़ कर रहे हो तो इस टैबलेट का बॉटल का लेबल आप केयरफुली पढ़ें। इस टैबलेट की रिकमेंडेड डोजेस से ज़्यादा डोज आप ना लें। इस टैबलेट की बॉटल को आप अपने घर में किसी कूल, ड्राई और सनलाइट से दूर किसी अच्छी जगह पर स्टोर करें। और गाइज, इस टैबलेट की बॉटल को आप अपने बच्चों की पहुँच से दूर रखें। गाइज, अगर इस टैबलेट की प्राइस की बात की जाए तो इसकी MRP है 139 रुपीज़, और गाइज, इसकी एक बॉटल में 40 टैबलेट्स यानी कि 40 टैबलेट्स आती हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हमने बात की वेदनाथ पीपलिया दी लोह टैबलेट के बारे में, और गाइज, साथ ही हमने जाने उसके यूजेस को। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।